नमस्कार, दिल्ली की सेल्फी में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका कांडपाल और आज दिल्ली की सेल्फी में हम आपको लेकर आए कहां? मालवीय नगर मार्केट। मालवीय नगर मार्केट जहां आप जैसे पीछे देख पा रहे हैं कपड़ों से लेकर फल फूल से लेकर आपकी घर की जिम्मेदारियों के तमाम सामान यहाँ पर मिलते हैं। तो आज मालवीय नगर की जनता से जानेंगे कि दिल्ली के चुनाव के बारे में उनकी क्या राय है। सब्जी की दुकान में फिलहाल मैं मौजूद हूँ और यहाँ एक चचा हमें मिले हैं। किसको सरकार बनाएंगे, किसकी? केजरीवाल की। केजरीवाल की। मोदी जी का कुछ हाथ वात नहीं चलेगा इस बार? मोदी जी का हाथ ऊपर वाली सीट पे चलेगा। अच्छा, नीचे नहीं? नीचे नहीं। कांग्रेस? कांग्रेस नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, केजरीवाल क्यों? केजरीवाल ने काम किया है, हमारे वहाँ भी क्लिनिक खुलवाया है और स्कूलों काम अच्छे करवाए हैं, हॉस्पिटल में सुविधा है। देखो, दिल्ली में तो आम आदमी आएगा। अच्छा, क्यों ऐसा लगता है? उसने बिजली पानी कम किया हमारा। अच्छा, और बीजेपी का काम किया? बीजेपी में जो प्रधानमंत्री हमारा मोदी जी है उसके मुकाबले पूर्व प्रधानमंत्री नहीं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका जादू दिल्ली चुनाव में पड़ेगा, असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। तो बीजेपी जीत पाएगी? नहीं, जीतेगी नहीं, लेकिन कुछ तो ले जाएगी। क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी हवा चलेगी? आपकी चलेगी, आम आदमी पार्टी की। और क्यों ऐसा लग रहा है आपको? उन्होंने काम किया है, जैसे कि दवाइयों का के लिए काम किया है काफ़ी। हाँ। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। हाँ। शिक्षा में भी काम किया है। हाँ। और उन्होंने लोगों के लिए ज़रूरतमंद है उन लोगों के लिए किया, कच्ची कॉलोनी को पक्का भी किया है। हाँ। बीजेपी में अमित शाह और मोदी जोर लगा रहे हैं दिल्ली चुनाव के लिए, वो जोर चलेगा? वो सेंटर में जोर लगाएं तो उनके लिए अच्छा रहेगा। इस बारी में आम आदमी पार्टी की दोबारा अच्छी लग रही है। हाँ। जैसा केजरीवाल जी ने काम किया है 5 सालों में अपना, चाहे आप बिजली डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वाटर डिपार्टमेंट में लीजिए, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स, आप चाहे हॉस्पिटल्स में लीजिए, उनका काम अच्छा रहा है। दिल्ली में जो केजरीवाल का इस टाइम जो हवा आ रखी है। हाँ। वो काफी अच्छी आई हुई है। अच्छा, बीजेपी की स्थिति को कहाँ देख रहे हैं? बीजेपी देखो, अगर आप जैसे वो केंद्र में बैठी है तो बहुत अच्छा है। देखिये, जो नरेंद्र मोदी कर चुके हैं अपने लेवल पे काम, वो कोई नहीं कर सकता। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी हवा चल रही है, कौन सी पार्टी? हमारे तो हवा, हमारा जो अपना विचार है हम आम आदमी को बनाएंगे, हम अपना हम। अच्छा। हमारा जो अपना विचार है वो। और क्यों ऐसा? हमारा जो मदद करेगा तो उसी को हम बनाएंगे। अच्छा, मदद हुई है आपकी? हमको सोमनाथ भारती ने हमको सब चीज की है, तो हम क्या करेंगे हम? मालवीय नगर के अंदर जब आप इस मार्केट में आते हैं तो अचार की खुशबू जो है वो आपको अपनी तरफ खींच लेती है। ये अचार ही अचार आप यहाँ तस्वीरों में देख रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं, लाल मिर्च का अचार, हरी मिर्च का अचार, गोभी का अचार, जो कुछ आप सोच सकते हैं सब कुछ। अच्छा, चलिए मुझे बताइए क्या क्या अचार मैंने बनाया है जो आप शायद दिल्ली में कहीं मिलेगा। अच्छा। आप टेस्ट करके देखिए, ये सरसों के साग का अचार है। सरसों के साग का अचार? हाँ, बहुत बढ़िया अचार है, सर्दियों में ज्यादा चलता है, चावल के साथ खाओ बहुत बेहतरीन लगता है। इसको टेस्ट करना तो बनता है, तो पहले तो हम टेस्ट करते हैं। हाँ, टेस्ट करिए पहले। इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा है, चटपटा भी है और अच्छा है, लेकिन आपको और अचार खिलाता हूँ, आपकी चटपटा तो खा लिया, थोड़ा खट्टा मीठा भी खिला के दिखाता हूँ। अच्छा, ये किस चीज का अचार है? ये गाजर गोभी शलगम का खट्टा मीठा अचार है। मेरी तो ये टेस्ट करिए आप, पहले तो मेरे मुंह से उसी की जो खटास है वो निकली नहीं है, पर एक और चलिए हम एक्सपेरिमेंट यहाँ करते हैं। उसका स्वाद बिल्कुल अलग, मिठास भी खट्टा मीठा, बिल्कुल सही कह रहे आप। अच्छा, मेरा जो मुंह है वो तो खट्टा मीठा आपने कर दिया, पर ये बताइए क्या लग रहा है दिल्ली के चुनाव आने वाले हैं, ये किसके मुँह का स्वाद कड़वा होने वाला है? आम आदमी की ज्यादा सुनने आवाज जो है। अच्छा, क्यों ऐसा? अब वो कह रहे हैं काम किया कुछ दिल्ली में उसने। अच्छा, आपको दिख रहा है? अब दिख रहा है काम कुछ किया भी है। और बीजेपी को कहाँ देखते हैं? बीजेपी देखो जी, हम तो सेंटर में बीजेपी को चाहते हैं, आप बताएं। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। मालवीय नगर मार्केट में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ हमें एक ग्रुप दिख गया है जो मेरे ख्याल से धूप का आनंद भी ले रहे हैं और साथ ही अमरूद जो सीजन की डिमांड है। पहले तो ये बताइए, जो अमरूद खा रहे हैं मीठा है? मीठा है जी। स्वाद बना रहा है?
ये बताइए, ये जो चुनाव आ रहे हैं दिल्ली में, किस पॉलिटिकल पार्टी के मुंह का स्वाद खराब होने वाला है? इसमें क्या पता है जी, कौन सा लग रहा है कि किस कौन सी पार्टी का जोर लग रहा है? जोर आपका ही लग रहा है, आपका लग रहा है। केजरीवाल, बीजेपी? हाँ जी, बीजेपी का क्या लग रहा है? बीजेपी थोड़ी सी हल्की है, थोड़ी सी हल्की है। आप कुछ कह रहे हैं पीछे से? केजरीवाल जी, अरे क्यों ऐसा? बस उनका अच्छा काम किया उन्होंने। अच्छा, और बीजेपी कहीं कॉम्पिटिशन में? हाँ तो है, थोड़ी बहुत तो चलेगी उनकी बीजेपी नहीं। और कांग्रेस? कांग्रेस तो अच्छा, कांग्रेस कहते ही हंसी आ गई इन्हें, चल हो रहा है। किसकी हवा चल रही है? हवा बीजेपी की, 100% गवर्नमेंट बनाएगी। अच्छा, और इसका क्या कारण आपको लग रहा है? कारण मोदी। अच्छा, ये बताइए, अच्छा जो मोदी 2.0 में जो कड़े फैसले हुए, 370 हो गया, CA हो गया, इसका फायदा होगा कि नुकसान होगा? फायदा होगा। अच्छा, और बीच ये आम आदमी पार्टी का कहाँ देख रहे हैं आप? बंटाधार है, बंटाधार है। आपको क्या लग रहा है कि केजरीवाल के लिए राह आसान रहेगी कि मुश्किल रहेगी, क्योंकि 67 सीट्स पिछली बार थी? 67 तो एक आंधी होती है, एक आंधी में आई, उस टाइम उनकी पॉलिटिक्स दूसरी चल गई कि जो वर्कर, जो पॉलिटिक्स में मेन जो कांग्रेस का वोटर था वो 90% केजरीवाल की तरफ चला गया। अब कांग्रेस ने अपनी पकड़ ली है, कोशिश की है, हो सकता है वोटर कितना काटती है वो अपनी सोच पे जाएगी। तो आपको क्या लग रहा है अभी जो करंट सिचुएशन है, मुकाबले में कौन पार्टी है? कांग्रेस की पोजीशन अच्छी है, अगर कांग्रेस ही और बेटर करता तो बीजेपी सरकार बनना 100% है। अच्छा, और अब कांग्रेस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह लड़ती है। जो आप बहुत सीरियसली सबकी बातें यहाँ सुन रहे हैं, अब आपकी राय भी मैं यहाँ ले लेती हूँ। एक्चुअली दिल्ली के अंदर में मैक्सिमम लोग जो हैं गवर्नमेंट सर्वेंट हैं या रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, एजुकेटेड क्लास रहती है यहाँ पे, उनको ये वाली बात बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि अगर हम लोकसभा का वोट देते हैं तो वो मोदी जी को जाता है, और अगर हम विधानसभा का वोट देते हैं तो वो चीफ मिनिस्टर तय करता है, और काउंसलर जो अलग है। तो अगर आप मेरे से पूछें कि भाई आप अगर लोकसभा के अंदर में, मैं हमेशा मोदी जी को वोट दूंगा, और अगर आप विधानसभा की बात करेंगे तो उसके लिए हमारे विधायक है सोमनाथ भारती जी, एक भी कॉल पे वो इमीडिएटली आते हैं और जितने काम हमने कहे हैं उन्होंने करवाए हैं। किसकी हवा? कांग्रेस की। कांग्रेस की हवा, पिछली बार तो खाता नहीं खुला था, इस बार आपके खुल रहे हैं ना, सारे खाते खुल जाएंगे आपके। अच्छा, तो कौन किसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार? मुख्यमंत्री की नहीं कह रहे, हम अपने विधायक की कह रहे हैं, जितेंद्र गोचर। जाली के अंदर से हमने दो महिलाओं को यहाँ बुलाया है, क्या लग रहा है दिल्ली में क्या होने वाले? कुछ कहा नहीं जा सकता, कब पलटी मार जाए। वैसे तो चांसेस तो केजरीवाल के ही लग रहे हैं, क्योंकि अच्छा। हमारे यहाँ की जनता लालची भी है ना। तो आपको क्या लग रहा है, जो अमित शाह और मोदी की जोड़ी जो है वो काम कर रही है डोर टू डोर कैंपेनिंग, उसका असर होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, काम भी किया उन्होंने रियल मुद्दों पे, अब हमारे देश को एक अच्छी व्यवस्था दी है, मैं तो उसी के सपोर्टर हूँ। किसकी तरफ आपको लग रहा है हवा बह रही है? केजरीवाल की है, आम जनता खुश नहीं लग रही इस बात से? आप नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ देखने को मिलता है ना, उन्होंने बिजली पानी ये लोगों को दी हुई है, तो उस हिसाब से काम तो वैसे बीजेपी कर रही है बेसिकली। आपका दिल से सपोर्ट जो है वो बीजेपी का ही है। क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी हवा चल रही है? केजरीवाल की। केजरीवाल की हवा, आप बताइए आपको क्या लग रहा है क्या होने वाला है दिल्ली के चुनाव में? दिल्ली में चुनाव में आप देखो कुछ कह नहीं सकते, बहुत केजरीवाल का है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है दिल्ली में। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। हम एक ज्वेलर शॉप पर आ गए हैं, और क्योंकि मालवीय नगर मार्केट में घूम रहे हैं तो जानना जरूरी है कि यहाँ के ज्वेलर्स का दिल्ली इलेक्शन को लेकर क्या सोचना है। ये बताइए मुझे, ये कहा जाता है कि जो जौहरी होता है वो हीरे की परख जानता है, तो इस जौहरी को क्या लग रहा है, कौन हीरा है दिल्ली इलेक्शन का? मोदी जी तो हीरा है, पर दिल्ली के लिए उनके पास कोई हीरा नहीं है। अच्छा, तो फिर किस तरफ मुड़ेगा, जब ये वाला हीरा नहीं चमक पा रहा है तो कहाँ जाएंगे आप? केजरीवाल। वोट मैं अवॉइड करूंगा वोट करना, क्योंकि प्रॉपर मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ। हाँ। मैं कभी बीजेपी के अगेंस्ट वोट नहीं करूंगा। हाँ। तो मैं अवॉइड ही करूंगा। अच्छा, तो आप वोट ही नहीं देंगे बीजेपी के खिलाफ, देना पड़े तो? हाँ, नहीं देंगे। आपके ख्याल भी मिलते जुलते हैं क्या? केजरीवाल के जितने भी MLA हैं, इन लोगों ने बहुत काम किया है, पब्लिक से पर्सन टू पर्सन रिपोर्ट बहुत अच्छी है, कोई भी इंसान इनसे कभी भी मिल सकते हैं, और इसके मतलब अपोजिट में बीजेपी के कोई भी कैंडिडेट विजिबल भी नहीं है, ना कोई नजर आ रहे हैं। ये बताइए चांदी जो है
काली हो जाती कुछ समय बाद जी। ये सरकार जो 5 साल रही है दिल्ली में, ये काली हुई है या चमकी है सोने की तरह? देखिए, कुछ ज्वेलरी चांदी की भी एंटीक की फॉर्म में बनती है, जितनी पुरानी होती है उतनी खिलती है। अच्छा। हाँ, इस तरह की एंटीक ज्वेलरी होती है जो काले रंग की होती है और यूजेज के साथ और हसीन होती जाती है। तो आम आदमी पार्टी एंटीक ज्वेलरी है या नहीं? हाँ, बहुत हद तक है, प्रयास बिल्कुल अपनी जगह पर है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हर मामले में पूरी तरह वो कामयाब रहे हैं, लेकिन हाँ, उनकी कम से कम उनकी जो भी पिछले सालों में क्रियाकलाप रहे हैं उनमें मुझे नेगेटिविटी नहीं दिखती। चल बेटा सेल्फी ले ले रे। Thank you.